करना कैसे सीखेंगे? तो हमने उदाहरण लिया है 45 को भाग करना हमें किससे? 5 से। कितने से करना है? 5 से। तो कितना आंसर आएगा वो हमने यानी एक टेबल बनाई है, इसमें एक तो खड़ी हुई लाइनें बनी हुई है और एक है हमारी लेटी हुई लाइनें। एक कैसी हमारी लेटी हुई लाइनें। हमने क्या करा, इस तरीके से जब हम 45 को भाग कर रहे हैं तो 45 ऐसे हमने गोल छल्ले ले लिए। कैसे ले लिए? और हमें कहां तक चिपकाना है इनके लिए? 5 तक, क्योंकि हम किससे भाग कर रहे हैं? 5 से। तो हमने 5 गिल्ली वाली लाइनें 1 2 3 4 5 5 लाइनें या 5 कॉलम लेके हमने ये वाले ब्लैक बोर्ड पे जो 5 बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 इनमें क्या करा हमने? इनको चिपका दिया। कितने चिपकाए हमने? 45। तो देखो ये सारे चिपकाने के बाद 45 छल्ले चिपकाने के बाद कहाँ पर आके पूरे बंद हो जाते हैं छल्ले? 9 पे आके। 9 पे आके पूरे छल्ले भर जाते हैं। ये बॉक्स क्या होते हैं? पूरे भर जाते हैं। किससे? इन छल्लों से। किससे भर जाते हैं? इनसे छल्लों से। तो जहाँ पर आके ये खत्म हो जाते हैं हमारे पास 45 थे, वही उसका क्या कहलाएगा? उसका ये आंसर क्या कहलाएगा? आंसर। तो 45 को जब भाग करेंगे 5 से कितना आएगा? 9। अब दूसरा यानी क्वेश्चन देखो, 37 को भाग कर रहे हैं 4 से, तो हम कितने छल्ले लेंगे? ये 37। कितने लेंगे? 37। तो 37 गिल्लो। और हाँ, कितने से भाग कर रहे हैं? 4 से। तो हम कहाँ तक लेंगे यह लाइन? 4 तक। ये छुटा लो, कितने तक लेंगे हम? 4 तक। देखो ध्यान से बनाओ, 4 तक लेना हमें। कितने तक लेना है? 4 तक। और कितने लेना हमें? 37। गिनो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितने आ गए? 36। तो हमने कितने बोले लिए थे जे? 37। 36 भर गए हमारे। बचे कितने हमारे? एक। कितना बचा था? एक। कितने बचा? एक। कितने गोले लिए थे हमने? 37 लिए थे। इनके हमने 37 लिए और इनमें हमने अरे सब में चिपका दिए कहाँ तक? 4 तक। क्यों हमने करा? क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं। जितने से भाग करते हैं उतने पे ही चिपकाते हैं। तो ये आके सारे कॉलम कहाँ भर गए? 9 पे। बचा कितना? एक। तो 4 से 37 को भाग करेंगे कितना आएगा? 4 ने 36। ये आ गया तुम्हारा भागफल। कितना आ गया? भागफल। शेष कितना बचा? एक। हाँ, शेष फल कितना बचा? एक। अब बताओ किसको समझ में आया ये विधि अच्छी लगी? यस सर। चार्ट पे सारे बच्चे इसको बनाएंगे, बना के दिखाएंगे हमें यही सवाल करके। चार्ट पे सारे बच्चे ऐसे 10 कॉलम बनाना, ऐसे 8 कॉलम बनाना, जितने से भाग कर रहे हो उतने पे चिपकाना है और जहां पर आके पूरे भर जाए ये कॉलम वही उसका क्या कहलाएगा? भाग। क्या कहलाएगा उसका? भागफल। भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलिए